अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम जो शबरात का जो रोज़ा रखते हैं उसकी सहरी की नियत किस तरह से करेंगे, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबरात के रोज़े की जो हम इफ्तार करेंगे तो इफ्तार करने की दुआ क्या होगी, किस तरह से हम इफ्तार करेंगे, क्या पढ़ करके हम इफ्तार करेंगे। तो देखिए नाज़रीन, जब आप इफ्तार का वक्त आ जाए तो इफ्तार करने के वक्त में आपने या तो बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ लीजिएगा शुरू में, या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप रोज़ा को खोल लीजिएगा। अब रोज़ा जो है, या तो आप मीठी चीज़ से, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जिसे आका भी पसंद फरमाया करते थे वो है खजूर, या तो आप खजूर के ज़रिए से रोज़ा खोल लीजिए या किसी भी मीठी चीज़ के ज़रिए से रोज़ा खोल लीजिए। और अगर कुछ ना मिले तो फिर आप पानी से भी रोज़ा खोल सकते हैं। जब आप रोज़ा खोल लेंगे तो उसके बाद आप इस दुआ को पढ़ लीजिएगा जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रही है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वबिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको जब आपने पढ़ा, यही है इफ्तार की दुआ, यही है रोज़ा खोलने की दुआ। उसके बाद जो आपका ये इफ्तार हो जाएगा, यानी कि रोज़ा खोलना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बखूबी समझ गए होंगे।